हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रात का टाइम हो चुका है, तो आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ इडली और नारियल की चटनी की रेसिपी। एंड आई होप कि आप लोग को वो पसंद आए, और मैं ट्राई करूँगी बहुत सिंपलेस्ट वे में आप लोग के साथ उसे शेयर करूँ, ताकि आप उसे ईजिली बना सके घर पे, और आपको वो मार्केट तक का वेट ना करना पड़े कि भाई इडली का मन खाने का मन है एंड मार्केट जाना पड़ रहा है। बहुत ही आसान तरीक़ों से आप लोग के साथ मैं आज उसको बनाऊँगी। एंड पिछली वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, मतलब बेसिकली बात करूँ तो रेसिपी होने वाली है, तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सो इस तरीके का बैटर बन जाएगा। इसमें आपको धुली उड़द डालनी है, यानी जो सफ़ेद वाली होती है, और चावल दोनों का रेशो इक्वल होना चाहिए, यानी कि अगर आप एक कटोरी चावल डाल रहे हो तो एक कटोरी धुली उड़द डाल के रात को भिगा देना है। मैंने जैसे कल रात भिगा दिया था, फिर सुबह इस तरीके से इसका पेस्ट बना के रात तक के लिए बनाना, यानी कि आप जैसे आपने पिछली रात को भिगाया, मॉर्निंग में आप इसे इस तरीके से पीस लीजिए, एंड देन रात के लिए अच्छे से एक तरीके से अच्छा हो जाएगा, जो बैटर है वो तैयार हो जाएगा। तो इस बैटर से हमारी बनेगी इडली। अब बात करते हैं नारियल की चटनी की। नारियल की चटनी के लिए सबसे पहले इस तरीके से कच्चा गोला ले लेना आपको। आप चाहो तो इसे आप अच्छे से कद्दूकस भी कर सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे पीसेस में कट कर सकते हो। सेकंड चीज़ जो आपको चाहिए इसमें, या आपको चना दाल को भून लेना है अच्छे से, मूंगफली भी भुनी हुई लेनी है। अगर आपके पास कच्ची मूंगफली है तो आप इसे भून सकते हैं, और ये चना दाल को भी अच्छे से भून लेनी है। और जो मैं इसमें डालने वाली हूँ, मैं इसमें बेसिकली 3 से 4 लाल मिर्च डालूंगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, बाकी तड़के के लिए है। और उसके बाद इसमें आ गया थोड़े से आपके गार्लिक और लहसुन, मुझे थोड़ा सा पसंद है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल देती हूँ, वरना आप 3 दिन डालोगे तो भी काफ़ी है, मतलब 3 और इसके 2 पीसेज हो गए, इतना इनफ है। और इमली इसमें जाती है, लेकिन मेरे पास इमली नहीं है, तो मैं इमली सॉस इसमें डालूंगी तकरीबन 1 चम्मच, और स्वाद अनुसार नमक। बस इनको पानी डालना है, और उसके बाद आपका पेस्ट तैयार हो जाएगा, यानी कि आपकी चटनी तैयार हो जाएगी। उसके बाद उसमें पड़ेगा तड़का टेम्पो। और चलिए पहले स्टार्ट करते हैं किस तरीके से इसकी प्रोसेस स्टार्ट होगी। स्टार्ट करते हैं नारियल की चटनी बनाना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इडली कैसे बनानी है। तो नारियल की चटनी बनाने के लिए आपको, मैंने आपको जैसे बताया था किस तरीके से इंग्रेडिएंट्स आपको लेने हैं, तो सबसे पहले आपको इसमें नारियल डालना है। नारियल के बाद आप इसमें डालिए मूंगफली, भुनी हुई चना दाल, चार लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, 3 पीस अदरक, और 5 इसमें मैंने डाले हैं लहसुन, आप चाहो तो कम भी डाल सकते हो, मुझे थोड़ा ज्यादा पसंद है। अब इसमें गया 1 चम्मच आपका, अब ये इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। ये हमारे घर पे एक पड़ोसी आया हुआ है, चलो बेटा चलो 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 चलो, ये देखो शैतान। तो हमें कड़ी पत्ता तोड़ना था, सारे काम ना मुझे उसी वक्त याद आते हैं, मैं यहाँ कड़ी पत्ता कहाँ से ढूंढूं, सारे पत्ते पत्ते ही हो रहे हैं। ये रही, तो ये है कड़ी पत्ते का पेड़ फिलहाल हमारा, और मैं यहीं से लीव्स तोड़ूंगी। तो मैंने तोड़ ली है 5-6, कुछ ज़्यादा ही आ गई हैं। तो चटनी तैयार हो चुकी है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, इसको आप चाहो तो अपने हिसाब से थोड़ा सा और पतला, मुझे ये ठीक सही लगती है, इतनी सही है। बारी है इसके तड़के की, तो चटनी रेडी हो चुकी है, उसके तड़के के लिए जाएगा इसमें तो मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल थोड़ा सा तड़के के लिए, इतना काफी है। हमारा तेल गरम हो रहा है तड़के का, हम अपना बैटर को थोड़ा सा अच्छे से, इसको आप ऐसे सर्कुलर मोशन में फटाफट से फेटिए। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इस तरीके से, ऐसे कोई लम्स नहीं होने चाहिए इसमें। जो दही बड़ा बनता है वो भी इसी का ही बनता है, इसको बस आपको तेल में तलना है, बैटर बन जाता है आपका, यही होता है। और दही बड़े भी आप बना सकते हो इससे बहुत टेस्टी से। गर्म हो चुका है, उसके लिए जाएगा इसमें तड़का, जो जाएगा काली लहिया का, काली सरसों का जाएगा। मिर्ची और कड़ी पत्ता, और इसको आपको हल्का सा हिलाना है, इसको आपको पकाना नहीं है ज्यादा। और ये आपका दूध था, तैयार हो चुकी हमारी चटनी।
इसकी कंसिस्टेंसी आप इतनी रख सकते हैं। अब बारी है इडली बनाने की, तो चलिए अब इडली बनाते हैं। इडली बनाने का बर्तन, और इसमें हम इडली स्टीम होगी हमारी, इसमें हम पानी लेंगे तकरीबन इतना, और ये हैं इसके खांचे जिसमें जाएगी हमारी इडली का बैटर। ये है इडली का बैटर जो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। ये तेल है, बैटर डालने से पहले आपको ये जितने भी खांचे हैं इन्हें अच्छे से तेल से लगाना है। अगर आप कम तेल लगाओगे तो ये इडली छूटेगी नहीं और चिपक जाएगी, तो आपको तेल अच्छे से लगाना है ये वाले पोर्शन में जितना भी है, इसकी चार प्लेट्स हैं। और हम पानी चढ़ा देते हैं गर्म होने के लिए, स्टीम होने के लिए, तब तक बैटर रखते हैं। तो स्टीम होने के लिए बर्तन हमने रख दिया है, दूसरा तो तैयार हो चुकी है हमारी गोल गोल इडली, और अब बारी है टेस्ट की, तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं। हाँ इडली और चटनी बनाना मुझे मस्त आ चुका है। तो ये था आज के ब्लॉग में, उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है और हेल्दी भी है। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, बाय बाय।